लास्ट वीक मार्केट गिरने का दो रीजन। सबसे पहला वॉर जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट जो वॉर है रशिया यूक्रेन का, नहीं लेकिन जो इसराइल और हमास के जो आर्मी है उसके बीच, या पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। दूसरा रीजन है कि अमेरिका के जो बॉन्ड प्राइस बढ़े हैं, ठीक है उसका। अब इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग लिक्विडिटी जो होती है ना मार्केट में, वो निकालना चाहते हैं। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी निकलती है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारा भी यहाँ से लिक्विडिटी निकलेगी और लोग पैनिक में आएगी और फिर और ज्यादा सेलिंग होगी। तो पिछले वीक जो हमने देखा वो पैनिक सेलिंग देखा, ऊपर से मतलब जो सपोर्ट भी लिया है उसने वो 200 ईएमए के पास ही लिया है निफ्टी ने, तो वो अभी हम चार्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज वीडियो गाइस। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे, तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम सपोर्ट देखेंगे। सपोर्ट हमें मिलेगा 18,800 पे, 18,500, 18,200 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 19,300, 19,550 और 19,850 पे, ठीक है। ये बात थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। टेक्निकली बात करें तो मैं कहूंगा भाई जो अभी ट्रेंड चल रहा है गाइस, वो अभी टेक्निकली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। कोई दूसरी बात नहीं है कोई ज्यादा बोलने का, लेकिन ये जो अब डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अब कहाँ तक चलेगा। लेकिन उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे जो कि कैंडल बना है, ठीक है, ये लास्ट वाला फ्राइडे के दिन, उसके हिसाब से डेली चार्ट में वो पॉजिटिव हो गया है। उसने पिछले वीक के कैंडल को हाई मारा है तो पॉजिटिव हो गया है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग का पॉजिटिव है, ना कि यहाँ से पूरा मार्केट पॉजिटिव हो गया है, नहीं। यहाँ से सिर्फ टेम्पररी पॉजिटिविटी है। ये हमें यहाँ पे एक उछाल देखने को मिलेगा, और उछाल कहाँ तक, मुझे लगता है 19,300 तक देखने को मिल सकता है। और बाय चांस कुछ अच्छा न्यूज आया तो ज्यादा से ज्यादा 19,550 हमारा जो दूसरा सपोर्ट है। और अगर कुछ समझ लो अनथिंकेबल हो गया, या मतलब सारे वॉर खत्म हो गए, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, फिर भी 19,850। लेकिन मैं कहूंगा जिनको उछाल में सेल करना रहेगा वो 19,300 पे नहीं लेकिन 19,550 के करीब सेल करें, क्योंकि 19,300 का और 500 का काफी गैप नहीं है। लेकिन क्या है, मार्केट अभी बहुत ज्यादा ही इमोशनल चल रहा है। थोड़ी सी अच्छी न्यूज आएगी पैनिक बाइंग आएगा, थोड़ी सी और मतलब बुरी न्यूज आएगी तो और ज्यादा पैनिक सेलिंग आएगा। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सावचेत रहे, सावधान रहे। दूसरा, मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर 18,800 का यहाँ पे जो लो है, ठीक है, ये लो, ये वाला लो, ये ब्रेक हुआ तो ये सीधा 18,200 तक आएगा, जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग दूसरा सपोर्ट मिलेगा। और इसके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आपको जरूर ये उछाल दिखे, लेकिन जिन लोगों को निकलने का मौका मिले वो 19,500 के करीब एक बार निकल लेना। उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे वापस, क्या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है कि नहीं। बाकी जिन लोगों को रिस्क लेके निकलना है वो 19,300 पे भी निकल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको शायद लॉस जो है वो और भी रिकवर हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को फ्रेश सेलिंग करना है उनके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोग 19,500 या 550 के करीब ही सेल करें। 19,300 पे हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है वहां पे मत करिए, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि जो लोग आपको ज्यादा फंसाने का ट्राई करेगा वो एक्चुअली 19,500 तक लेके जाएगा, फिर आपको वहां से और ज्यादा गिरावट आएगी। और जैसे मैंने बोला कि नीचे अगर 18,800 के नीचे अगर एक भी दिन क्लोज आया तो समझ लेना 18,200 तक के दरवाजे खुल चुके हैं। दूसरा, हमारे जी एमएसडी है, ठीक है, मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लास्ट में ग्रीन कैंडल बना था लेकिन सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ चुका है। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी आरएसआई में हमें एक ग्रीन सिग्नल मिला है, और यह सिग्नल का मीनिंग होता है कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये जो बाउंस बैक है वो प्रॉफिट बुकिंग का है, ना कि यहाँ से फ्रेश बाइंग आई है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ से आपको अब वापस रिवर्सल मिलेगा, ये वो नहीं। चार्ट में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है रिवर्सल का। और पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं वापस बोल रहा हूँ, 19,300 पे है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और पूरा चांस है कि फंसाने के लिए 19,500 तक भी जा सकता है। तो ये बात थी डेली चार्ट की। अब वीकली चार्ट की बात करते हैं हम। तो
देखो वीकली चार्ट में कुछ ज्यादा तो कहने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी आप जस्ट देख सकते हो इतने बड़े बड़े कैंडल है इस हिसाब से, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस इतना बोलूंगा कि सबसे पहले वीकली ये नेगेटिव चल रहा है ट्रेंड यहाँ पे, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दूसरा, पिछले मतलब वीक का जो हाई मरा है वो 19,500 के ऊपर है, 550 के करीब है, तो वहां तक शायद रिकवर आए तो आए, लेकिन चांस बहुत कम है। जैसे मैंने बोला 19,300 पर पहला हर्डल है, वो करेगा तभी आएगा 500। दूसरा कि हमारा जो एमएसडी वीकली बेस का वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया नेगेटिविटी के लिए, मतलब और भी बता रहा है और नेगेटिव हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है वो है। उसके बाद जो आरएसआई है वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जो हमारी 50 की लाइन है उसके नीचे फाइनली जा चुकी है, और मुझे लगता है कि हालांकि न्यूज है जो भी है नेगेटिव है, इमोशंस भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर आपको जो उछाल मिलेगा, ठीक है, सब जो उछाल मिलेगा वो सबसे पहले हेवी वेटेड, मतलब कि रिलायंस टीसीएस जो निफ्टी 50 के हेवी वेटेड है उसमें देखने को मिलेगा। अगर रिकवरी हुई अच्छी खासी और सच में रिकवर हुआ मार्केट, तो सबसे पहले दिखेगा रिलायंस में और उसमें उछाल। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फाइनेंस, लोगों को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसमें सेकंड वो आएगा। तो ये अभी तक मुझे लग रहा है और दिख रहा है साफ साफ कि अगर मार्केट सच में रिकवर हो रहा है तो सबसे पहले रिलायंस और वो सब जो हैवी वेटेड है वो इकट्ठा हो गए ऊपर जाएगी, उसके बाद आएगी फाइनेंस सेक्टर, और वो दो चीज अगर आप रखो तो माइंड में रखना, वहां तक आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम बात करेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट हमें सबसे मिलेगा 42,000 पे, फिर 41,500, और उसके बाद 41,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 43,850, 44,700 और 45,000 पे। अब यहाँ पे मैंने एक साल का पूरा चार्ट ओपन करके रखा है, डेली चार्ट क्यों करके रखा है वो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे नीचे की ओर अगर आरएसआई देखे तो यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला था, यहाँ पे भी हमें वापस ग्रीन सिग्नल मिला है, और वो जो एरिया है वो कौन सा है, एक यहाँ पे और दूसरा जो एरिया है वो करीब यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं ये ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे जो बाउंस बैक आएगा उसका सिचुएशन सेम टू सेम यही होने वाला है। यहाँ पे हमें सिग्नल मिला था, उछाल आया, गिरावट, फिर उछाल, फिर गिरावट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उछाल आया है, लेकिन ये उछाल के बाद वापस गिरावट, फिर वापस, फिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे निफ्टी में है वैसे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और ज्यादा कुछ इतना खास मेरे को नहीं दिख रहा कि हमें कोई इतना मतलब रिवर्सल या कुछ भी देखने को मिले। और अगर आप एमएसडी भी देखो यहाँ पे तो वो भी अभी भी नेगेटिव दिखा रही है काफी हद तक। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में उछाल के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसका जो ऊपर का लेवल बन के आ रहा है वो सीधा 43,000 के करीब ऊपर जा रहा है, 43,800 के करीब, और नीचे का जो सपोर्ट है वो काफी नजदीक है, 42,000 पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बस इतना कहूंगा जिनको फ्रेश सेल करना है वो 43,800 के आसपास करें, चाहे तो आप सेकंड सपोर्ट भी ले सकते हो, अगर अच्छा रहा मार्केट तो 44,700 के करीब भी आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है पर्सनली कि जिनको भी सेल करना रहे वो यहाँ पे कर सकते हैं 43,850 के, 43,900 का या 44,000 का स्ट्रॉन्ग सी बी एस एल रख के करें। तो जिनको भी बाय का सोच रहे हो तो वापिस बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट नेगेटिव है, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हुआ। डेली चार्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है सबसे ज्यादा, और मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस गिरावट आएगी। तो इसके लिए मैं कहूंगा जब तक कि यहाँ पे सेकंड बॉटम, ठीक है, ये पहला बॉटम बना है यहाँ पे, ये ऐसा ही एक सेकंड बॉटम ना बन जाए तब तक के लिए वेट करो, और जो उछाला है उसमें आप सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके वीकली चार्ट की। देखो वीकली चार्ट में कुछ ज्यादा कहना नहीं है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें मेरे दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा। बस बोलना ये है कि आरएसआई जो है ये वो फाइनली मतलब 50 से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो वीकली बेसिस पे पूरा चांस है कि जैसे यहाँ पे ये ऐसा कैंडल दिख रहा है कि जहाँ पे नीचे इसकी पूंछ दिख रही है,
वैसे भी नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही एक कैंडल बनेगा जहाँ पे और ज्यादा गिरावट के बाद वापस नीचे से थोड़ा रिकवर होगा। ठीक है, ऐसा कैंडल बन सकता है और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही बनेगा। और दूसरा ये कहना है कि अभी के लिए जहाँ पूरा मार्केट नेगेटिव है वहां पे फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूँगा और वेट कर लो, कहाँ पे आएगी स्ट्रक्चर वो हम नेक्स्ट वीक वापस बात करेंगे। लेकिन जिनको फ्रेश सेलिंग करना है वो लोग जो यहाँ पे मिस कर चुके हैं 44,000 के करीब, वो वापस यहाँ आते ही सेल करेगी, ये याद रखें। जब तक कि हमें डेली और वीकली डेली में पॉजिटिविटी दिख रही है नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन वीकली मतलब हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि वीकली बेसिस पे भी हमें क्या पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है कि नहीं। अगर दोनों जगह पॉजिटिविटी है डेली और वीकली तो ही रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अगर एक जगह पे नेगेटिविटी है और दूसरी जगह पे पॉजिटिव, उसका मतलब है कि वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है तो वापस सेलिंग आ सकता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो गाइस देखो, हम देख रहे हैं एचसीएल टेक का रिव्यू और अभी उसका हम देख रहे हैं वीकली चार्ट। रिव्यू में बस इतना कहूंगा कि यहाँ पे ऊपर की ओर जो लेवल्स है वो वही है 1,310 के करीब, और नीचे की लिए लेवल जो बन के आ रहे हैं वो है 1,200 के या 1,190 भी पकड़ सकते हो, 1,190 के करीब। ठीक है, और अभी के लिए वो उसके रेंज में ही चल रहा है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ओवरऑल यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव हुआ है देखने जाओ तो। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने के लिए मतलब कि और ऊपर जाने के लिए 1,310 के ऊपर उसको बंदा आना जरूरी है, कंफर्मेशन चाहिए वहां पे, तभी जाके वहां से वापस वो अच्छा खासा रन करेगा, वरना वापस वो यही रेंज में रहेगा 1,310 1,200 1,300 के बीच में। तो ये बात थी एक्सेल की, इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो है इंफोसिस इन्फी, उसका भी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं और मैं बस इतना कहूंगा वीकली बेसिस पे उसने जहाँ पे सपोर्ट लिया था 1,400 के करीब वो उसके नीचे क्लोज आ चुका है, मतलब कि 1,300 1,305 के करीब के जो उसके लेवल से वो यहाँ पे नीचे खुल चुके हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि नीचे एक्सपेक्ट करके रखो कि 1,305 1,310 के करीब आएगा, और ज्यादा प्रेशर रहा तो 1,300 या 1,290 तक, और वहां से वापस हमें उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थिति ज्यादा बुरी इसलिए है कि ऑलमोस्ट एमएसडी में देख सकते हो अगर आप यहाँ पे, कि हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं कि फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है और लगातार यहाँ पे सेलिंग के चलते कभी भी यहाँ पे एमएसडी वीकली बेसिस पे नेगेटिव हो सकती है। और अगर नेक्स्ट वीक भी ऐसा रहा तो यहाँ पे एक रेड सिग्नल मिलेगा, और रेड सिग्नल मिलने का मतलब है कि और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं कहूंगा इंफोसिस के लिए अगर आप सोच रहे हो तो सेल कर सकते हो। सेल कब करना है आपको, तो सेल आपको करना है इसके हाई में 1,430 का मतलब 32 का हाई है, तो 1,435 का एक सीबीए सेल रख के यहाँ पे सेल कर सकते हो। नीचे के लेवल जैसे मैंने बोला 1,310 5 या 1,300 के करीब आ सकता है, और ओवरऑल मार्केट में मैं कहूंगा नेक्स्ट वीक शायद मंथ का नया वीक खुलेगा तो थोड़ा सा ऊपर से दिवाली भी है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला एक तो लिमिटेड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जिनको सेल करना है वो इसके करीब ही करे 1,430 या 1,435 के करीब, जिससे आपका एसिल कम रहे लॉस कम रहे, और क्लोजिंग बेसिस पे आपको वो लेना है जब तक वो 1,435 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, वरना आपको वहां पे सेल का पोजिशन कंटिन्यू रखना है। तो ओवरऑल इंफोसिस के लिए नेगेटिव है, तो इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो है रिलायंस। रिलायंस में लेने का रीजन सिंपल सा यही है कि काफी हद तक गिरावट आ चुकी है, ऊपर 2,800 से ऊपर जाके सीधा 2,300 के नीचे 2,220 का उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां पे आके उसने क्लोज दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल कहूंगा क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ मार्केट पूरा नेगेटिव है, ऐसे में बाइंग करना कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, इसका जो पॉजिटिव जंप है वो सबसे पहले आएगा 2,300 2,310 के करीब, और उसके बाद जो ऊपर अगर ज्यादा अच्छी पॉजिटिव रही तो 2,360 तक जा सकता है। तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप बाय करो या आप कोई भी पोजिशन बनाओ, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है तो ये लेवल पकड़ के चलना, ऊपर 2,300 है उसके बाद 2,360, ठीक है 2,310 तक
तक भी जा सकता है। वैसे 2300-2310 पूरा जोन ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2360 तक जाएगा, वहां से वापस सेलिंग देखने को मिलेगा। और नीचे 2220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, तो इसकी भी जानकारी अभी आपको सुनते दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो देख रहे हैं वो है टीसीएस। टीसीएस में भी मैं लेवल्स ही दूंगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बाय करो या सेल करो, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। लेवल्स में ऐसा है कि ये जो क्लोज आया है वो उसके सपोर्ट जोन के करीब ही है, और उसका जो सपोर्ट जोन है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 3330 के करीब है। तो आप समझ सकते हो मैं क्यों देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर बाउंस बैक आया तो हमें करीब जो बाउंस देखने को मिलेगा वो बाउंस से यहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है, 3480 के करीब है, 3480 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर अगर मैं कहूँ तो नीचे की ओर जो सेकंड हमें, पहला तो मैंने बोल दिया 3330 के करीब है, दूसरा 3250 तक के लेवल्स खुल चुके हैं, तो वहां तक भी उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो अगर नीचे और गिरावट आई, 3250 पे एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, वहां तक उसे देखने को मिलेगा 3250 के करीब। और ऊपर अगर उछाल आ रहा है तो करीब करीब 3380 के करीब जाने के पूरे चांस है, इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है एचयूएल, हिंद यूनिलीवर। उसमें भी बस लेवल्स दूंगा, आपको ट्रेड करना ना करना आपकी मर्जी है। सबसे पहले एचयूएल में मतलब इतना ही बोलूंगा कि जितने भी स्टॉक थे, जितने भी गिरावट में दिखे, उसमें सबसे ज्यादा जो मजबूत दिखा है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है वो है एचयूएल। क्यों है वो आप टेक्निकल देख सकते हो, लेकिन चार्ट के हिसाब से मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो है 2310 के करीब, और दूसरा 2380 सॉरी पहला जो रेसिस्टेंस आएगा वो है 2510 के करीब, दूसरा आएगा 2580 के करीब नीचे की ओर। उसका पहला सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग वो तो 2450 के करीब है, लेकिन सेफ्टी के लिए 2440 लेंगे, 2440 है। उसके बाद जो उसका नीचे का और एक और सपोर्ट है वो है 2390, वहां पे हमें और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अभी करंट का जो नजदीकी सपोर्ट है वो है 2440 के करीब। तो आपको इसके लेवल्स दे दिए हैं, इसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है वो आप समझदार हो, इसकी भी जानकारी सारी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था पूरा वीडियो हमारा, और इसमें से अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, काम की लगी हो, या आपकी जानकारी में थोड़ी सी और तरक्की हुई हो, तो मैं कहूँगा बस आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाले नीचे बटन पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी थोड़ा यूजफुल लगेगा कुछ भी। तो फिर मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।